लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था कि धावड़ा नगरपालिका से किसको टिकट मिलेगी, और अब ये फाइनल हो गया है कि जेजेपी बीजेपी के गठबंधन से राव मान सिंह को धावड़ा नगरपालिका से टिकट दी गई है। धावड़ा के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों को लेकर राव मान सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा था कि जो विपक्षी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो राव मान सिंह है वो कौन है, उनको धावड़ा में कोई जानता नहीं है, तो उसका सवाल भी हम उनसे पूछेंगे। और साथ में जेजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ में हैं, वो बताएंगे कि पार्टी की नीतियां क्या है और किस तरह से किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं जेजेपी के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सब्रवाल से। सर, स्वागत है आपका रेवाड़ी अपडेट पे। सबसे पहले तो मैं राव मान सिंह, जो बहुत ही शिक्षित युवा ऊर्जावान और समाज सेवी है, इनको नगर पालिका धारवेड़ा के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व जिला इकाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और राव मान सिंह का परिवार बड़े लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, और अगर इनके कार्यों का उल्लेख किया जाए तो जहाँ देश एक बहुत ही बड़े बीमारी से जूझ रहा था, कोरोना, उसमें इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा, और इससे पीछे भी सामाजिक कार्यों की जहां बात है, अहीर कॉलेज के चाहे छात्रावास की बात हो, चाहे धारवाड़ा के अंदर समाज के लिए एक धर्मशाला के निर्माण की बात हो, अनेक ऐसे कार्य इस परिवार ने किए हैं, और निश्चित रूप से उन कार्यों के आधार पर हम कार्यकर्ता की ताकत, पार्टी नेतृत्व की ताकत और जनता के आशीर्वाद से बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे, और पार्टी एकजुट होकर के जो इनको आशीर्वाद दिया उसका हम धन्यवाद करते हैं। पार्टी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, तो दावेदार भी काफी थे, तो इसलिए ये भी है कि जो दावेदार थे वो कहीं बागे ना हो जाए, उसका सवाल भी हम श्याम सुंदर सब्रवाल जी से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले राव मान सिंह जी से बात करते हैं कि क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो इस चुनाव में वो लेकर चलेंगे। राव मान सिंह जी, ये बताइए कि क्या प्रमुख मुद्दे हैं धावड़ा के, जो प्राथमिकता के तौर पे आपको लेके चलने के, सबसे पहले अगर आप बनते हैं तो इन समस्याओं का समाधान कराना है? एक तो भैया, सबसे पहले इंडस्ट्रियल वाटर का, जो भिवाड़ी से गंदा पानी आ रहा है उस पे सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। दूसरा अपना, जैसे रोड हाउसिंग बोर्ड का आपने शायद देखा होगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं, तो उन सब का वहाँ पर अच्छे से करा जाएगा। और अपना कैटल्स बहुत हो रखे हैं, जैसे जानवर घूमते रहते हैं रोडों पे, उन सबको अपने सही जगह पे उनको रखा जाएगा, गौशाला टाइप के में। और अपना रोड पे, मैंने सुना है आजकल एक्सीडेंट, कोई ट्रक वाला है मार के भाग गया, कल को वैसे हो जाता है, तो उसके लिए सोच रहे थे हम कि CCTV सर्वेलेंस लगवा दें, तो इन चीज़ों का भी प्लान है हमारा। धावड़ा अपना पूरा इलाका है, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, पूरे दुनिया के मानचित्र पर धावड़ा का नाम आता है, सबसे पुराना औद्योगिक इलाका है, दिल्ली जयपुर हाईवे पे स्थित है, लेकिन उसके बावजूद जिस तेजी से धावड़ा का विकास होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कमी है उसकी, तो उसमें किस तरह से तेजी लाएंगे? उसमें भैया पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे रोड हों, अच्छे स्कूल हों और अच्छे हॉस्पिटल्स हों, इन सारी चीज़ों पे अपने पूरे अच्छे से काम करा जाएगा। और बाकी देखते हैं अब ये क्या होगा, कि ये रोडों पे तो सबसे पहले और इंडस्ट्रियल बॉर्डर पे सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा। तो ये थे कि राव मान सिंह, जिनका कहना है कि जो प्राथमिक तौर पे जो जन समस्या है उनको वो साथ में लेके चलेंगे, लेकिन जो विपक्षी दल है वो ये कह रहे हैं कि राव मान सिंह कौन है वो नहीं जानते, तो उनके फादर साहब हमारे साथ में है, वो बताएंगे कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से वो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। राव साहब, अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि विपक्षी दल ये हमेशा ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि राव मान सिंह को तो कोई जानता ही नहीं धारवाड़ा में। विपक्षी दलों की तो कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं स्वतंत्र सेनानी राव तुलाराम जी के साथ हमारे बुजुर्ग जगत सिंह राव जेलदार साहब ने भी लड़ाई लड़ी थी, और दूसरा उनके बेटे राव छाजूराम जी जो हिंदुस्तान के पहले यादवों के अध्यक्ष बने थे, और रेवाड़ी में सबसे पहली उन्होंने
एजुकेशन पे फोकस करके स्कूल बनवाने का काम किया, अहिरवाल छात्रावास बनवाने का काम किया उन्होंने। आपने देखा अहिर कॉलेज के पीछे राव छाजूराम हॉस्टल बना हुआ है, और उनके बेटे राव दलीप सिंह जी जो 22 गांव के जेलदार थे, उन्होंने धारवाड़ा में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कहते हैं गर्ल्स स्कूल, बॉय स्कूल और हॉस्पिटल की ज़मीन, वेटनरी हॉस्पिटल वैसे हॉस्पिटल की ज़मीन फ्री में दान दी हुई। अब क्या जैसे आप बेटा शायद आपका पहली बार चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अब साथ में आप खड़े रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्राथमिकता है धारवाड़ा की जो सबसे पहले आपको करानी है? सबसे पहला काम होगा जो गंदा पानी भिवाड़ी से आ रहा है उसको रोकने का, तो ड्रेन बनवाने का काम जो भी सरकार से हेल्प ली जाएगी दुष्यंत जी से कहकर पहली जल्दी से जल्दी वो काम कराएंगे। दूसरा जो अंबेडकर पार्क में जो गंदा पानी जाता है, भीमराव अंबेडकर जी के पार्क को बड़ा अच्छा बनवाया जाएगा, बड़ा सुंदर बनवाया जाएगा, जो हमारी पार्टी का पहला वो होगा। तो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन पे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के जो बाकी दावेदार थे वो कहीं ना कहीं भागे ना हो जाए, कहीं ना कहीं विरोध ना करे, तो उसको लेकर क्या रणनीति है आपकी आगे की? नहीं, जो भी हमारे भाई हैं लगभग सब साथ ही आ जाएंगे, मुझे लगता नहीं कोई भाग्य होंगे। अब बात करते हैं क्योंकि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन की सरकार चल रही है और अभी जो इलेक्शन है तो उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाया जाएगा कि जेजेपी बीजेपी ने क्या काम प्रदेश में कराया, तो क्या किन कामों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं आपका जो कैंडिडेट है? भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन का लगभग एक साल का समय बीत गया है, और 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से प्रदेश की जनता से वादे किए थे, और जिसका प्रमुख वादा था कि सरकार बनने के बाद पहली कलम से हरियाणा प्रदेश के अंदर निजी उद्योगों में स्थानीय युवा को रोजगार मिले, वो बिल दुष्यंत जी की अहम भूमिका रही, और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने इस बिल को पास किया और 75% रोजगार का कानून बना दिया जो अभी गवर्नर महोदय के पास में लंबित है, और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाएगा। और विशेष रूप से एक युवा वर्ग जिसका एक लगाव था और जो बड़े लंबे समय से ये उम्मीद करता था कि स्थानीय युवा उद्योगों में उसको रोजगार का हक मिले, उनको हक दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसके बाद में जहां गांव की महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी शराब की समस्या, और हमने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद जो गांवों के अंदर शराब के ठेके हैं उनको बाहर निकालने का काम किया जाएगा, इस वादे को भी हमने पूरा किया। जहां महिलाओं के अधिकार की बात थी, सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कहती है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखते समय उसके अंदर एक लिखा था कि कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस समाज की महिलाओं की तरक्की नहीं होगी। उसी राह पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने 50% जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसमें आरक्षण देने का काम किया, जिससे समाज भी मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा, महिला मजबूत होगी, तो निश्चित रूप से उसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। इसके साथ साथ 8% बैकवर्ड क्लास को भी पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया है, और ये जनहितैषी मुद्दे हैं जो लोगों की सोच थी, लोगों की चाह थी और लोगों की भावना थी, उन भावनाओं के अनुरूप काम किया है, और निश्चित इस चुनाव में उनका फायदा मिलेगा। और धारवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए हम बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं, अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे। किसी प्रकार की जहां कंट्रोवर्सी की कोई बात अभी आप पूछ रहे थे, आज से 3-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों की एक संयुक्त मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में सभी उम्मीदवारों को बुला करके उनका साक्षात्कार हुआ, और सब ने यही कहा था कि जिसको भी पार्टी हाईकमान मौका देगी हम सब उनका तहे दिल से समर्थन करेंगे। किसी प्रकार का कोई आपस में कंट्रोवर्सी नहीं, सारे एकजुट हैं। मेरी सभी से इंडिविजुअली बात हो चुकी है,
कोई भी बाहर नहीं जाएगा और सब राव मान सिंह के साथ आकर के इनको आशीर्वाद देंगे। कैंपेन में कौन कौन शामिल होंगे जो आपके शीर्ष नेतृत्व में है? अभी इसकी रूपरेखा आज बैठ कर के हम तैयार करेंगे। पार्टी हाईकमान बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियों के नेता उनको जिसको हम चाहेंगे, जिसकी आवश्यकता महसूस करेंगे, वो हमें समय देंगे और यहाँ प्रचार करेंगे। मिलाकर ये है कि जो जेजेपी उम्मीदवार है राव मान सिंह, वो धारड़ा के विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही जो अभी तक का बीजेपी जेजेपी गठबंधन में जो उपलब्धियां रही है सरकार की, उनको लेकर भी जो उनके उम्मीदवार है वो जनता के बीच जाएंगे। ऐसे में देखते हैं कि 27 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट करती है।